हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोग समझ गए हो गए कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज हम ओरिगामी फ्रॉग बनाने वाले हैं। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो बारिश का मौसम है, तो बाहर बहुत सारे क्रिएचर्स आने लगते हैं बारिश के मौसम में। तो आज हम उन्हीं में से एक क्रिएचर फ्रॉग, वो ओरिगामी से बनाने वाले हैं, बेसिक फोल्ड्स वगैरह। तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे से देखना है कि मैं क्या फोल्ड कैसे यूज़ कर रहा हूँ और उसे फॉलो करना है। ओके, तो चलो फिर लेट्स गो, हम स्टार्ट करते वीडियो अपनी। तो ये स्क्वायर पेपर है मेरे पास, स्क्वायर पेपर को मैं फोल्ड करके वन साइड से, बोलते हैं हैंकर चिप्स फोल्ड, हैंकर चिप्स फोल्ड करने के बाद को ऐसे फोल्ड्स कर लेने हैं अच्छे से। उसके बाद आपको सीजर यूज़ करना है और सीजर यूज़ करके उसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है ऐसे। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक पार्ट हम साइड में रख देंगे और हमें काम इससे करना है। ओके, तो इसे मैं क्या करूँगा, ये यहाँ से इस साइड से पकड़ के इसे इक्वल, ये दोनों पार्ट को इक्वल करके एक फोल्ड कर दूंगा मैं। ओके, राइट वाले से लेफ्ट में लेके जाके उसको इक्वल कर दिया। सेम इस साइड से भी करेंगे। अब हमें एक्स मिल गया है, अब उसे हाफ, एक्स के मिडल में एकदम हाफ करके उसे फोल्ड कर देंगे। तो हमें एक्स और मिडल में एक फोल्ड मिल गया है, और उस मिडल वाले फोल्ड्स को हमें पकड़ना है और ऐसे फोल्ड कर देना है मिडल वाले लाइन से, और ऊपर का कुछ इस तरीके से फोल्ड कर देना है। थोड़ा टफ है लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, डोंट वेरी। के बाद इसे ऊपर कर देंगे, ये वाले पार्ट को जो नीचे का पॉइंट है हमारे से, भी इसको भी इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे। देन हम नीचे वाले पार्ट को हमें ऊपर फोल्ड करना है। ठीक, तो ये फोल्ड हो गया है। इसके जो साइड वाला पार्ट है, जो ये लाइन है, इसको मैं मिडल में करनी है। जो मैं फोल्ड दिखाई दे रहा ऊपर वाला किए ठीक उसके नीचे, तो इसका मिडल हो जाएगा। ठीक है, मैं इसके मिडल में ही करना है, तो दोनों साइड ऐसे कर लेंगे। डन। अब इसको वापस से जो नीचे वाला पार्ट है, जो नीचे वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, उसको हाफ फोल्ड करेंगे। मिडल में फोल्ड कर दिया, बाद में उसे ओपन करना है। उसके जो कॉर्नर है उसको साइड में आपको फोल्ड्स कर देना है, और ये फोल्ड ऊपर हो जाएगा। जो आपका नीचे वाला फोल्ड है वो साइड में हो जाएगा, तो कुछ इस तरह इसके दिखाई देगा, जैसे बोर्ड बोर्ड टाइप ऐसे दिखाई देगा। ओके, तो इसे नीचे करेंगे, के लेग हो गए, तो फोर लेग्स आपको दिखाई दे रहा है। हमारा फोर लेग्स रेडी हो गया है, थोड़ा सा ही बचा है इसका एक पार्ट। तो इसे
ऊपर के साइड फोल्ड करेंगे। थोड़ा ऊपर और जो पस के लेग है उस लेग के ऊपर ही हमारा फोल्ड आ जाएगा नीचे वाले लेग का। फिर उसको नीचे से थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा कंप्लीट है। अब इसकी हम आईज बना लेते हैं। आईज और नोज मैंने बना दी है। अच्छा, आपने देखा होगा कि हर एक फ्रॉग में अलग अलग टेक्चर्स होते हैं, अलग अलग कलर्स के। यस, तो हम लोग भी इस पे एक टेक्चर्स करेंगे। तो मैं उसके लिए यूज़ कर रहा हूँ रेड कलर। तो रेड पेस्टल से मैं इस पे कुछ डॉट्स बना रहा हूँ, टेक्चर बना रहा हूँ। तो आप अपने तरीके से ही बना सकते हो, जैसे आपने फ्रॉग देखा होगा किस पे कौन से कलर का टेक्चर था, वो टेक्चर किस तरह दिखाई देता था। तो ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्चर्स बना सकते हो। चलो, फिर हमारा फ्रॉग रेडी है जंप करने के लिए।